हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम के अटेंडेंस की। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन है वो ख़त्म हो चुका है, सेकंड स्टेज भी कह सकते हैं ख़त्म हो चुका है और थर्ड स्टेज अब चल रहा है। और यहाँ पर देखिए जो अटेंडेंस रही है आज के एएलपी एग्ज़ाम के अंदर वो रही है 74%। अब स्टूडेंट्स ये ट्रेंड है, ये फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन का यानी शिफ्ट वन का है। अभी बाकी के शिफ्ट के नतीजे नहीं आए हैं कि उनका कितना परसेंट अटेंडेंस रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है और दोपहर में ही प्रकाशित हुई है और इसके अंदर ये बताया गया है कि 74% अटेंडेंस रही है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहे हैं 161,332, जिसमें से 119,110 कैंडिडेट अपियर हुए हैं एग्जामिनेशन में। कुल 416 सेंटर्स हैं और 160 सिटी के अंदर ये एग्ज़ाम हो रहा है। इसके साथ साथ अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना है वो होना है 10, 13, 14, 17, 21, 29 और 30, 31 को। अब देखते हैं, अगर ये ट्रेंड फॉलो रहा तो 25 से 30% बच्चे अपियर नहीं होंगे और इसकी वजह से जो चांसेस होंगे सिलेक्शंस के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसका मेन कारण है स्टूडेंट, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स दूर रखे गए हैं इस बार, वही मेन रोल प्ले कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, कई बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं फीस ज़्यादा होने के बावजूद भी। सो स्टूडेंट्स चैनल पर बने रहिए, शिफ्ट 2 और 3 के रिव्यूज़ जल्दी ही अपलोड होंगे। सो गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।